Dear students, today I am going to teach you addition and subtraction of algebraic expression. जैसे हम लोग नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे हम लोग algebraic expression का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. Let question number one. Part fifth. Question number one. Part sixth level. 2x square minus 3y square. 5x square plus 6y square minus 3x square minus 4y square. इसको हम लोग को ऐड करना है. ऐड करने के दो मेथड हैं. कैसे? एक कॉलम मेथड है और एक जनरल मेथड. जैसे जैसे आप करते हैं दोनों मेथड को हम लोग वन बाई वन चेक करते हैं. मैं आपको देखते हैं. 2x square minus 3y square plus 5x square plus 6y square plus minus 3x square minus 4y square. Open the bracket. 2x square minus 3y square. ये bracket के पहले यहाँ plus है. तो हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किसी भी नंबर का साइन चेंज नहीं होगी. प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. आफ्टर दैट राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर. इसके बाद हम लोग जो लाइक टर्म्स हैं जैसे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे साइन के साथ. हियर 2x स्क्वायर एंड हियर इज प्लस 5x स्क्वायर एंड हियर इज माइनस 3x स्क्वायर. नाउ हियर इज माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. ये दोनों पॉजिटिव है. ये भी प्लस है ये भी प्लस. दोनों पॉइंट कर देंगे. 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. यहां देखें 3y स्क्वायर निगेटिव है और 4y स्क्वायर निगेटिव है. माइनस साइन है दोनों के पहले. तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है. और ऐड करने के बाद साइन माइनस लिख देंगे तो 3 एंड 4 7 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर. ये 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 7 माइनस 3 4x स्क्वायर. और यहां देखें आप लोग सर तो इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 7 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं. देन इट विल बी माइनस y स्क्वायर. सो योर आंसर विल बी 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. And if you want to add it, then you may use column method also. By column method, you can write it 2x square minus 3y square and write the like terms together. Means you should write x square below the 2x square. So, it will be, मतलब ये जो x स्क्वायर है एक के नीचे एक एक के नीचे एक लिखेंगे ऐसे. और y स्क्वायर को भी वन बाई वन एक के नीचे एक लिखेंगे साइन के साथ. अगर प्लस है तो नंबर के पहले प्लस लिखना कोई आवश्यक नहीं है. कोई जरूरत नहीं है. देन 5x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर एंड हियर विल बी प्लस 6y स्क्वायर एंड माइनस
अब ये दोनों प्लस साइन, दोनों को ऐड करेंगे 7, 7 माइनस 3 कर देंगे 4x स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर लेंगे 7, 7 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 हो जाएगा, और 7 बड़ा है इसका साइन माइनस होगा, यहाँ देख ले 7 बड़ा है इसका साइन माइनस है, तो इसलिए यहाँ साइन माइनस लिखेंगे। जो नंबर बड़ा रहेगा उस नंबर का साइन ही लिखते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर बड़ा होगा उसी नंबर का साइन लिखेंगे, देन इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3/2 x³ माइनस 1/4 x² प्लस 5.3 माइनस 5/4 x³ माइनस 5/4 x³ प्लस 3/5 x² x² प्लस 3/5 x² माइनस x प्लस 1/5 एंड थर्ड माइनस x² प्लस 3/8x 3/8x माइनस 8/15 एंड ऐड x फॉर दिस। इसके लिए क्या करेंगे तो आप जिस मेथड से चाहें, आपको जिस मेथड से जी रहे उस मेथड से ऐड करें, बट आप जानते हैं कि बड़े बड़े जब हम लोग एडिशन करते हैं तो कॉलम मेथड के यूज करते हैं, तो पहले हम कॉलम मेथड से इसको देखते हैं। 3/2 x³ माइनस 1/4 x² प्लस 5/3 माइनस 5/4 x³ प्लस 3/5 x² ये देखें इसमें माइनस एक्स है लेकिन इसमें कोई एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है बट एक्स नहीं है, तो हम इस नंबर के नीचे 1/5 लिख दे रहे हैं और ये माइनस एक्स को बाहर यहां लिख दे रहे हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी नंबर को हम लोग आगे या पीछे लिख सकते हैं साइन के साथ, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर के 0 लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 3/8x है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3/8x और ये माइनस 8/15 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8/15 और 1/1 हम लोग इसको एक साथ ऐड करेंगे, इसमें एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब लिख देंगे हम और 3/2 माइनस 5/4 इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 2 5 10 ये हो जाएगा 2/8 x³। अब इसको भी कर लेते हैं, माइनस 1/4 प्लस 3/5 माइनस 1
अपान वन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 20 माइनस 5, 4 थ्री या 12 एंड 20, माइनस 20 और माइनस 5, माइनस 25 प्लस 12 अपान 20, देन इट विल बी, अब ये बीच में प्लस है तो ऐड नहीं कर देंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, माइनस 13 अपॉन 20 यहां लिख लेंगे, माइनस 13 अपॉन 20 एक्स स्क्वायर। फिर नंबर को ऐड कर लेंगे, फाइव बाई थ्री प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 15, एलसीएम ले लेंगे, 15 3 5 जा 15 सॉरी 5 5 जा 25, 3 माइनस 8 28 माइनस 8 अपॉन 15 मीन्स 20 अपॉन 15, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, इनको ऐड कर लेंगे, ये माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 8, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 8 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 अपॉन 8 एक्स, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि निगेटिव निगेटिव जब रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपसे भले कहा जाए ऐड करो, लेकिन अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो उसको आप ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी विल लर्न सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी सिमिलरली इसी तरह करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा एक चेंजिंग होता है। क्वेश्चन नंबर टू, पार्ट थर्ड, केयरफुली देखें इसको, पार्ट थर्ड, सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस वाई फ्रॉम 4y माइनस 5x। इसी में कंफ्यूज होते हैं आप, समझ में नहीं आता इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट x माइनस वाई, x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम फ्रॉम 4y माइनस 5x, 4y माइनस 5x में से x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स इसमें से इसको करना है। तो हम लोग लिखेंगे 4y माइनस 5x माइनस x माइनस y, 4y माइनस 5x, ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन है, माइनस है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा हमेशा जब भी ब्रैकेट के पहले नेगेटिव हो, माइनस साइन हो, ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ब्रैकेट का साइन अंदर वाले नंबर का साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, और ये माइनस है तो फिर ये प्लस, और फिर एडिशन वाले रूल से लाइक नंबर को एक साथ और अनलाइक को, मतलब लाइक नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, 4y प्लस वाई माइनस 5x माइनस एक्स, ये दोनों निगेटिव हैं और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 और 1 5, 5y प्लस हो गए, और ये दोनों निगेटिव हैं तो ये ऐड होंगे और ये 6x हो जाएंगे, और साइन इनका क्या होगा, माइनस 6x, दैट इज योर आंसर। इसको कॉलम मेथड से करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4y माइनस 5x, और यहाँ लिखेंगे, देखिए ये प्लस एक्स है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस एक्स, और ये माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख लेंगे। पहले और बाद में लिखने से कंफ्यूज ना हो, साइन के साथ नंबर को हम कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं, साइन बस चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ प्लस एक्स है तो यहाँ भी प्लस एक्स है,
यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ भी माइनस वाई है, हम लोग एक साथ इसलिए लिखे हैं कि लाइक टर्म को एक साथ लिखना है। और एक रूल और है कॉलम मेथड के लिए कि जब हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले नंबरों का साइन चेंज कर देते हैं, नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उनका साइन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। जैसे ये निगेटिव है तो पॉजिटिव है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस फोर वाई और प्लस वन वाई, अब ये माइनस नहीं रह गया, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया, तो प्लस फोर वाई और वन वाई फाइव वाई, और ये माइनस फाइव एक्स और माइनस एक्स, तो माइनस माइनस वन एक्स, तो माइनस फाइव और माइनस वन माइनस सिक्स एक्स, ये आपका आंसर जो यहाँ है वो यहाँ है। एक और देखते हैं सब्ट्रैक्शन, हम पार्ट फोर्थ, इसी का पार्ट फोर्थ देखते हैं। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, इसमें से इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। कॉलम मेथड से पहले हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और लाइक टर्म को वन नंबर के बिलो लिखते जाएंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। रूल के अनुसार नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ प्लस टू ए बी और प्लस टू ए बी कितना हो गया हमारा प्लस फोर ए बी, दैट इज योर आंसर, ए प्लस फोर ए बी हमारा आंसर हो। और अगर दूसरे मेथड से करते हैं इसको तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखिए इसीलिए बताया जाता है कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज होगा, क्यों बताते हैं, देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे नंबर्स का साइन क्या होगा चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, है माइनस है तो प्लस। सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नाउ लाइक टाइप, नाउ राइट लाइक टर्म्स टुगेदर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस टू ए बी, सो इट विल बी कैंसिल एंड हियर विल बी टू ए बी प्लस टू ए बी इज इक्वल टू फोर ए बी, दैट इज योर आंसर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और एक दो प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और नहीं आएगा तो आप पूछें, आई विल आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आई विल सॉल्व सम, इसमें से एक आठ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आप इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा। क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ें, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बस केयरफुली पढ़ें और जो बताए हैं रूल उसको आप माइंड में रखें, दिमाग में रखें, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।